सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? चाहे लाख समझाओ पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं हैं। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी। अब द्वंद्वों में पिसता हुआ पूरा जीवन नष्ट हो गया, दुर्गति प्रारंभ होती चली जाती है। बस ये समझ में कहां आता है? ये तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है, क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्रिय का भोग है, जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं, देखो बिहारी जो राधा, 56 भोग बनते हैं, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो, जनेन्द्री, गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणिग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेन्द्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणिग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेन्द्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं है। सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन के कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती है? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो पांचों कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है, विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती है। बड़ा गूढ़ रास है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया, रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया, जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी, नेत्रेंद्री की ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके, तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया, एकांत में निर्वस्त्र हो के आराध, भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे, तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जय भगवान को दिया, देखा तो ऐसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे। अरे मां ने कहा निर्वस्त्र, ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना,
क्या हम कह रहे, कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ आपने ठीक सलाह। जेवी गांधारी ने पुत्री खोली, सामने देखा, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे। और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यहीं से तोड़ा जाएगा तेरा, यहीं तेरी मृत्यु का कारण बनेगा बेटा, तूने चूक कर दी, यहीं से तू कमजोर हो। वही मारा था, जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वही तोड़ा, जंगा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे, वही तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया, तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है, पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जो जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं, साफ कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता, तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता, शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है। तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते, ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है, पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते, वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं, वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते तत्प्राप्य कामं भजते क्रोधम च द्विजशतम्। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान, इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक हो, जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट कर रहे उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा सुखी हो जाते ना, नहीं है ना, हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी, प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ, बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं, देखो अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सहे, लेकिन हाथ टूट जाता है सहते हो ना, पैर टूट जाता है सहते हो, जीवित रहते हो ना, भारी से भारी ऑपरेशन, बड़े से बड़ा हो आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ न कभी होगा, देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है, आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट। तो अंतःकरण में जो ये इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो, आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो कितना कष्ट होता है मां को
जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है, प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके। अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में, तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए रहे, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं रहेगा, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये केवल डरा रहा है, तुम जी नहीं अमर हो जाओगे अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे अपेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा। इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है इंद्रियां, अपने में मिलाती है, क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकते। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हाँ कह दिया था, नहीं हमें पता नहीं कि हमने हाँ कहा। और देखो जब तुम्हें हाँ करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, और जब फिर हम हाँ कहें तब हाँ मानना, पहली बात में हाँ मत मान लेना, क्योंकि अब हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है, वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रीता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता, यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी, ठीक है भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा उसी समय विवेक से सावधान, जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्मयुक्त, तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो, शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ, या सत्संग की बात तुरंत लाओ। नहीं नहीं ये गलत है, वो संकल्प बनने नहीं पाएगा।